हेलो दोस्तों, एक्सीलेंट एजुकेशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक इकोनॉमी सीरीज और आज का टॉपिक है ब्लू इकोनॉमी। इससे पहले हमने चार और वीडियोस बना रखे हैं बेसिक इकोनॉमी सीरीज से रिलेटेड, आप चाहें तो उसे जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ये लेक्चर यूपीएससी एस्पिरेंट, आरबीआई एग्जामिनेशन, एमबीए स्टूडेंट, एमबीए एस्पिरेंट, नाबार्ड एग्जाम, सी एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है। इन वीडियोस को अगर आप फॉलो करेंगे तो इकोनॉमी के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो को देखें और पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझें, बीच में छोड़ ना दें। तो आज का टॉपिक है ब्लू इकोनॉमी। अब ब्लू इकोनॉमी होता क्या है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, द ब्लू इकोनॉमी इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जब हम ओशनिक रिसोर्सेज का सस्टेनेबल वे में यूज करते हैं आर्थिक विकास के लिए, तो उस इकोनॉमी को हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। साथ ही साथ जब हम हेल्दी तरीके से, मतलब ओशन इकोसिस्टम को यूज करते हैं लाइवलीहुड और जॉब क्रिएट करने के लिए, तो उस इकोनॉमी को हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसका टाइटल है प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी। इसने ब्लू इकोनॉमी को दो सेंस दिया, एक जब हम ओशन का सस्टेनेबल तरीके से यूज कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, दूसरा हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मरीन से रिलेटेड हो, मरीन सेक्टर से रिलेटेड हो, और वो सस्टेनेबल हो या ना हो, वो भी ब्लू इकोनॉमी का पार्ट हो सकता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सेंस दिया उसने, दो भागों में बांट दिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये ब्लू इकोनॉमी क्या क्या इंटीग्रेट करता है और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ये होता है सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और इनोवेटिव डायनेमिक बिजनेस मॉडल, कि जिससे हम अपने एनवायरमेंट को और अपने ओशन एनवायरमेंट को प्रिजर्व कर सके, ऐसा बिजनेस मॉडल होना चाहिए, ऐसा इनोवेशन होना चाहिए। तो ये सारे चीजों के प्रिंसिपल पर ब्लू इकोनॉमी काम करता है। ओके, अच्छा, अब हमारा एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन इकोनॉमी। इसका क्या रिलेशन है ब्लू इकोनॉमी से, तो देखते हैं ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है। पहले ग्रीन इकोनॉमी हुआ जो हम इन्वायरमेंटल रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और सस्टेनेबल तरीके से यूज करते हैं बिना इन्वायरमेंट को डिग्रेड किए हुए इकोनॉमी का डेवलपमेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रीन इकोनॉमी। ओके, ये उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, नॉट ओनली ओशन। जो ब्लू इकोनॉमी था उसमें सिर्फ ओशनिक पार्ट इंक्लूड होता है, बट ग्रीन इकोनॉमी में हर कुछ, सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंसीडर किया जाता है विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट। ये चीज ध्यान रखना है। ओके, दिस इज द की पॉइंट, विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट। ओके, नाउ इट इज क्लोजली रिलेटेड टू इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स। ऑफकोर्स जब हम इकोलॉजी के डेवलपमेंट पे बात करते हैं, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स वहां से डेराइव्ड होता है। तो ये जो ग्रीन इकोनॉमी है, ये ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड है। अच्छा, अब ये आखिर ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी में रिलेशन क्या है? तो जो रियो 20 प्लस सबमिट हुआ था, आप हमें कमेंट में लिख के बताइए कि ये कहां हुआ था 2012 में। तो यहां जो स्मॉल आइलैंड है पैसिफिक ओशंस में, उनका सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी उनके मरीन इकोनॉमिक इकोनॉमी पे ही डिपेंड करता है। मतलब जो ओशनिक इकोनॉमी है उनका, वही उनके लिए मेन इकोनॉमी है। तो उनके लिए ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी दोनों एक ही चीज है, बिकॉज उनका सारा का सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके ओशनिक डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये इनके बीच का रिलेशन है, आप इसे ध्यान रखिए। अच्छा, अब प्रायोरिटी सेक्टर क्या क्या है ब्लू इकोनॉमी के? तो फिशरी एंड एक्वाकल्चर, सी पोर्ट एंड शिपिंग, सी बेड एक्सप्लोरेशन मरीन, रिन्यूएबल ओशन एनर्जी, टूरिज्म, हम एज ए नॉलेज सेंटर भी यूज कर सकते हैं ओशन का, R&D सेंटर भी, ओशन नॉलेज क्लस्टर भी बना सकते हैं वहां पे। तो ये सारे प्रायोरिटी सेक्टर हैं ब्लू इकोनॉमी के, जिसके बेसिस पे ब्लू इकोनॉमी रन होता है। अच्छा, आखिर ब्लू इकोनॉमी का बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये है कि प्रोवाइडिंग अ बूस्ट टू कोस्टल एंड नेशनल इकोनॉमीज। अब कोस्टल इकोनॉमीज बढ़ेगी तो ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी भी इंप्रूव होगा, तो ये उसका एक बेनिफिट है। दूसरा, एक नए एम्प्लॉयमेंट, नए सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और नए तरह के स्किल सेट एंड कैपेबिलिटीज का डेवलपमेंट होगा, सारे जो ओशन से रिलेटेड है वहां हमें नए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो एक ये भी फायदा है। अब प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन न्यू एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑफ कोर्स एक नया तरह के एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वहां नए तरह के एंटरप्रेन्योर आएंगे, नए तरह के स्किल सेट के साथ आके वो एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, तो ये भी एक चीज है, ध्यान रखिएगा। फिर
क्या है, इंटरकनेक्शन होगा। अब रीजनल इकोनॉमी जो कोस्टल एरियाज है वहां रीजन में अपना अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो उसका जब इंटीग्रेशन हो जाएगा ब्लू इकोनॉमी से तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसका काफी फायदा होगा। उसके बाद क्या है, ओशन एक बहुत पोटेंशियल है, अनटैप्ड है, अभी तक हमने ओशन का ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है, तो ब्लू इकोनॉमी डेवलप करने से जो अनटैप्ड पोटेंशियल है ओशन का वो भी बाहर आएगा। हम इससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, हम यहाँ फिशरीज को और बढ़ावा दे सकते हैं, हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, तो ये जो अनटैप्ड ओशन इकोनॉमी है वो भी हमें मिलेगा ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने से। अब देखते हैं कि ब्लू इकोनॉमी आखिर जरूरत क्यों है, क्यों हमें ब्लू इकोनॉमी को मतलब प्रमोट करना चाहिए, क्यों हमें ब्लू इकोनॉमी चाहिए। तो सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आप अगर एनवायरमेंटल न्यूज पढ़ते होंगे तो आपको पता है कि हमारा 23% जो इकोलॉजिकल सिस्टम है सी से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड, वो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है, तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है बायोडाइवर्सिटी को बचाने की, तो उसके लिए भी हमें ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 बिलियन लोग हैं जिनका जो फूड है वो सी फूड पर डिपेंड करता है, तो हमें फूड सिक्योरिटी, अगर हम ब्लू इकोनॉमी को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो हमें फूड सिक्योरिटी से भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें फूड की स्कार्सिटी हो सकती है उस पॉपुलेशन के लिए जो सी फूड पर डिपेंड करता है। अब क्या है कि आपको पता ही है कि जब हम फूड पर डिपेंड करते हैं तो हम ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे फिशरीज को, 47% जो हमारा नीड है फिशरीज का वो हमें ओशन से मिलता है, तो उसको भी अनसस्टेनेबल फिशरीज ना हो, ओवर यूटिलाइजेशन ना हो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसको बचाने के लिए हमें ब्लू इकोनॉमी चाहिए। अब मरीन और कोस्टल टूरिज्म, अब देखिए हमारा जो कोरल रीफ होते हैं, हम स्कूबा डाइविंग करते हैं, वहाँ बहुत आजकल बढ़ गया है, आप अगर अंडमान में भी देखें तो काफ़ी लोग जाते हैं स्कूबा डाइविंग करने, वहाँ जो कोस्टल टूरिज्म है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, तो वो भी एक फ़ायदा है, उसे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को। प्लस साथ ही साथ आपको पता होगा कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन आपने सुना होगा, जो इस बार का एनवायरमेंटल डे था 5 जून को मनाया जाता है, उसका जो थीम था वो प्लास्टिक पोल्यूशन था, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन से जो हमारे मरीन को खतरा हो रहा है, जो मरीन एनिमल हैं और अदर जो भी हम मतलब पॉल्यूशन पॉल्यूट कर रहे हैं मरीन को, जो मरीन डेब्रिस के फॉर्म में वहाँ क्रिएट हो रहा है और एक बहुत बड़ा फ्यूचर प्रॉब्लम होने वाला है हमारे लिए वो, सो इन सारे चीज़ों को ब्लू इकोनॉमी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हमें ब्लू इकोनॉमी की जरूरत है हमारे अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, हमारे अपने नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे अपने कोस्टल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और कोस्टल का सस्टेनेबल यूज करने के लिए, ओशन का सस्टेनेबल यूज करने के लिए हमें ब्लू इकोनॉमी चाहिए। तो ये सारे फायदे हैं ब्लू इकोनॉमी के। दोस्तों होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि और किन इकोनॉमिक टॉपिक पे आप हमारा वीडियो देखना चाहेंगे। आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि हमारा ये जो फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी लर्निंग।